नमस्कार, द नगरी न्यूज की खास पेशकश डिजिटल बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं ललित वर्मा। चलिए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की। हमेशा अपने बयानों के लिए चर्चाओं में रहने वाले भाजपा विधायक बाल मुकुंद आचार्य का एक और बयान काफी चर्चाओं में है। एक कार्यक्रम में विधायक बाल मुकुंद आचार्य कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सनातनियों ने में हम दो और हमारा एक का नियम अपना लिया है, जबकि मुस्लिम समुदाय चाय बेगम 36 बच्चों के सिद्धांत के साथ आगे बढ़ रहा है, जो चारों तरफ घूमते हुए नजर आ जाते हैं। इसके साथ ही बाल मुकुंद आचार्य ने कहा कि कई प्रकार के कब्जे हो रहे हैं, साथ ही अनगिनत जिहाद चला जा रहा है, यह किसी को बताने की जरूरत नहीं है। बाल मुकुंद आचार्य के इस बयान के बाद एक बार फिर से राजनीति के गलियारों में उनके बयान की चर्चा होने लगी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बीते दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में शपथ ली, तो वहीं आज पहले दिन से ही नायब सिंह सैनी एक्शन मोड में नजर आए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जहां आज पदभार ग्रहण किया, तो वहीं नवगठित हरियाणा कैबिनेट की पहली बैठक भी ली। इस दौरान नायब सिंह सैनी ने जनता के कार्यों को लेकर सभी मंत्रियों को निर्देश दिए कि सभी काम समय पर पूरे हों। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का लगातार तीसरे दिन तीसरा विवादित बयान सामने आया है। पहले जहां दिलावर ने महिला शिक्षिकाओं पर विवादित बयान देते हुए कहा था कि वे अर्धनग्न स्कूल जाती हैं, तो वहीं दूसरे दिन दिलावर ने अपने बयान से पलटी मारते हुए साफ इनकार कर दिया था कि उनका ऐसा बयान ही नहीं था। तो वहीं अब तीसरे दिन मदन दिलावर ने शिक्षकों को बेवकूफ और मूर्ख की उपाधि देते हुए कहा कि जो भी मेरे बयान का विरोध कर रहे हैं वह शिक्षक बेवकूफ हैं। आचार संहिता के चलते रीट रीशफल परिणाम का इंतजार कर रहे लेवल 2 के युवाओं का इंतजार लंबा होता जा रहा है। शुक्रवार को जहां रीट लेवल 2 का रीशफल परिणाम जारी होने की बोर्ड ने तिथि घोषित की थी, उसके बाद युवाओं को रीशफल परिणाम का इंतजार था, लेकिन दोपहर में बोर्ड अध्यक्ष ने सोशल मीडिया एक्स पर आचार संहिता का हवाला देते हुए परिणाम फिलहाल जारी नहीं करने की जानकारी दी, जिसके बाद युवाओं में निराशा छा गई। गौरतलब है कि रीशफल परिणाम में चयनित अभ्यर्थियों के नौकरी से बाहर होने की संभावना है। देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ के आदेश पर अदालतों में दिखने वाली न्याय की देवी की मूर्ति में अहम बदलाव किए जाने पर केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि कानून कभी अंधा नहीं होता है। सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि न्याय की देवी की आंख पर पट्टी नहीं होनी चाहिए। उन्होंने राजस्थान में होने वाली 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा है कि सभी 7 सीटें बीजेपी के खाते में जाएगी। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 का आयोजन 9, 10 और 11 दिसंबर को जयपुर में होगा। इससे पहले निवेश अभियान के तहत राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा व डिप्टी सीएम दिया कुमारी प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन पहुंचे हैं। सीएम ने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ लंदन में बड़े निवेशकों से मुलाकात की और उन्हें दिसंबर में होने वाली राइजिंग राजस्थान समिट में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। जयपुर के करणी विहार इलाके में चाकूबाजी की घटना में घायल लोगों का एसएमएस अस्पताल में उपचार जारी है। हॉस्पिटल में भर्ती घायलों का हालचाल जानने के लिए स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर और हवा महल विधायक बाल मुकुंद आचार्य अस्पताल पहुंचे। खींवसर ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि मामले में एक आरोपी फरार है, घायलों को उचित इलाज मुहैया कराया जा रहा है, उन्हें रिकवरी के बाद अगले 24 से 48 घंटों में डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। राहत की बात यह है कि इनका इलाज बिल्कुल सही चल रहा है और उनका कोई ऑर्गन डैमेज नहीं हुआ है। बीकानेर में डेंगू का आतंक देखने को मिल रहा है। गुरुवार को एक बार फिर सामने आए आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग के होश उड़ा दिए हैं। एक ही दिन में 46 डेंगू मरीज सामने आने के बाद अब यह आंकड़ा 648 पहुंच गया है। एमसीएच के 15 बेड बढ़ाकर 65 कर दिए गए हैं। वहीं हर यूनिट के लिए 7 दिन की ड्यूटी तय कर दी गई है। रेजिडेंट डॉक्टरों को भी 24 घंटे पर ड्यूटी पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। दिल्ली में आने वाले कुछ दिनों में विधानसभा चुनाव होंगे, जिसको लेकर सभी बड़े दलों ने अपना मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दिल्ली बीजेपी पहले से एक्टिव मोड पर है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की तरफ से भी एक बड़े अभियान की शुरुआत गुरुवार को की गई। यही वजह है कि कांग्रेस नेता अलग अलग अभियान चलाकर जनता के बीच एक्टिव मोड में दिखाई देने लगे हैं। मुंबई ट्रैफिक पुलिस के व्हाट्सएप नंबर पर एक धमकी भरा मैसेज आया है, जिसमें बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस मैसेज को भेजने वाले अनजान शख्स ने लिखा है कि इसे हल्के में मत लेना, अगर सलमान खान जिंदा रहना चाहता है और लॉरेंस बिश्नोई से दुश्मनी खत्म करना चाहता है तो उसे 5 करोड़ रुपए देने होंगे। अगर पैसे नहीं दिए तो सलमान खान की हालत बाबा सिद्दीकी से भी बदतर हो जाएगी। अब मुंबई पुलिस की एक टीम इस मैसेज को भेजने वाले का पता लगाने में जुट गई है। तो ये थी आज दिन भर की बड़ी खबरें। कल फिर से आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।